गंगा के निर्मल प्रवाह की लड़ाई लड़ रहे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का 86 वर्ष की उम्र में आज निधन हो गया। वो अपनी मांगों को लेकर 112 दिनों से अनशन कर रहे थे। बीते 22 जून से उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा था। आईआईटी के प्रोफेसर रहे जीडी अग्रवाल का गंगा को बचाने के लिए ये पांचों उपवास था। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से भी जाना जाता था। आज के युग के भगीरथ प्रोफेसर जीडी अग्रवाल गंगा प्रदूषण, उसमें होने वाले अवैध खनन और उसकी अविरल धारा लौटाने जैसे मुद्दों को लेकर अनशन कर रहे थे। इसी साल फरवरी में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गंगा के लिए अलग से कानून बनाने की मांग की थी, लेकिन सरकार की ओर से न जवाब मिला और न आश्वासन, तो 22 जून से उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। 9 अक्टूबर से तो उन्होंने पानी भी त्याग दिया था। प्रोफेसर अग्रवाल की हालत ज्यादा खराब होने पर बुधवार को प्रशासन ने उन्हें जबरदस्ती ऋषिकेश अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन जब प्रोफेसर अग्रवाल की तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें दिल्ली के एम्स ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनका निधन हो गया। कुछ दिनों पहले ही प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा था कि हमने प्रधानमंत्री और जल संसाधन मंत्रालय को बहुत सारे पत्र भेजे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी तपस्या और आगे बढ़ाऊंगा और गंगा नदी के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दूंगा। मेरी मौत के साथ ही मेरे अनशन का अंत होगा। और आज गंगा बचाने की लड़ाई लड़ने वाले भगीरथ प्रोफेसर अग्रवाल का निधन हो गया। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।